अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस 20977 7:45 में आएगी। ये देखो पूरा जयपुर जंक्शन अभी झंडा चल। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। मेरा नाम है धर्मांशु, आप देख रहे हो राजा दा यूट्यूबर के नाम से मेरा व्लॉग। और अभी हम आ रखे थे जयपुर जंक्शन पे। आज हम यात्रा करने वाले हैं 20977 जो अजमेर से चंडीगढ़ के बीच में चलती है ये गाड़ी रेगुलर बेसिस पे। आज ये 20 कोचर हो गई है और 20 कोचर तो इसको हुए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। और क्योंकि टेम्प्रेरी बेसिस पे हुई है, परमानेंट नहीं हुई है। और क्योंकि टेम्प्रेरी से हुई है, इसका जो 16 कोचर का जो रैक है वो गया हुआ है मेंटेनेंस के लिए, और इसलिए इसको अभी 20 कोचर किया गया। और ये 20 कोचर भी है और साथ में इंडिया की पहली 20 कोचर वंदे भारत जो हाई रेस पेंटोग्राफ के साथ चलती है फर्स्ट। और बहुत प्यारी गाड़ी है और अभी जस्ट आने वाली है, अब इसका अराइवल होने वाला है। आई थिंक ये मेरा 10th टाइम पे है, ये 10th या 11th होगा कि जब मैं इसमें यात्रा कर रहा हूँ। एक साल में मैं 11वीं बार इसमें यात्रा कर रहा हूँ और आज हम यात्रा कर रहे हैं ईवन में मेरी दूसरी बार। और इसमें वापस मेरी रिटर्न जर्नी है 20978 में इसी सेम गाड़ी के अंदर ही, वो होगी मेरी चेयर क्लास में, क्योंकि आपको दोनों का रूट दिखाएंगे ना अलग अलग, इसलिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है सीसी में एंड एसी में। और बस, और हमारा जो सीट है वो विंडो साइड है, पर गलती ये हो गई कि उधर वाला विंडो नहीं है, इधर वाला विंडो साइड है यार, क्या करें, बैड लक है। और सामने हमारी गाड़ी कोई खड़ी हुई है, आई थिंक कौन सी खड़ी है मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। तो सामने WDP 4DP खड़ा है, उधर की साइड खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है, देख लो लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, इधर मुझे आइडिया नहीं है। और देखो हमारी गाड़ी आ गई सामने से, आ गई 20977 आने की संभावना है। देखो लोग बाग कैसे खड़े हैं, इसके इंतजार में खड़े हैं। 12414 पूजा एक्सप्रेस फ्रॉम जम्मू, यही तो बात है हमारी गाड़ी की है। देखो भाई, इज एक्सपेक्टेड टू अराइव एट 9:30 ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3।977 ये समाज में यात्रा कर रहे हैं। आज हमारा जो कोच होने वाला है वो होने वाला है आज इवन, आगे आएगा अभी इसका कोच खुलने का है, एक सेकंड सर। हमारी गाड़ी का अराइवल हो गया और अभी हम जस्ट गाड़ी में एंटर हो रहे हैं। ये देख लो आप, ये है इसका एग्जीक्यूटिव कोच E1। और हमारा जो सीट नंबर होने वाला है वो होने वाला है, एक सेकेंड, ये 21 18 19। हमारा जो आज कोच होने वाला है वो होने वाला है विंडो साइड 20 नंबर, दिस वन ऑलरेडी एक गंदगी हो रखी है यार। ये देखो इसमें पूरा ऑटोमेटिक डोर्स हैं और इसमें अभी हम यहाँ पे बटन दबाते हैं, ये देखो ऐसे ओपन हो जाएगा, एक सेकंड सर, एक यस यस।
का जयपुर में अराइवल हुआ है हमारी गाड़ी का। गांधीनगर जयपुर में हमारी गाड़ी का अराइवल हुआ है और यहाँ पे हमारी गाड़ी का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है बस। इसके बाद इसका आएगा अलवर जंक्शन, अलवर के बाद आएगा रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद गुड़गांव, गुड़गांव के बाद सीधा दिल्ली के लिए। हमारा ये एनवायरनमेंट चल रहा है और यहाँ पे हमारी चाय चल रही है, प्यारी प्यारी चाय देख लो। थैंक यू IRCTC फॉर दिस। ये टॉपिक आना है शेक, इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, ना नहीं पीऊंगा, यहाँ पे तो चाय पियेंगे। ये देखो ये पूरा हमारा ब्रेकफास्ट है और सामने ये यात्रा चल रही है और यहाँ पे ये बताया गया है कि आप गाड़ी को स्टॉप कराने के लिए मतलब इसको आवश्यक सूचना पे ही बंद करें अदरवाइज ना करना। फास्ट है ये देखो आप। सब बढ़िया होंगे। अभी हम आ चुके हैं अलवर जंक्शन और यहाँ हमारी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का ही हॉल्ट है, उसके बाद गाड़ी अभी रवानगी ले लेगी। और ये हमारी गाड़ी का सेकंड स्टॉप है जयपुर, सॉरी थर्ड स्टॉप है जयपुर के बाद गांधीनगर, गांधीनगर पर अलवर, और इसके बाद हम यहाँ से अभी निकल जाएंगे सीधा दिल्ली। उसके बाद अभी इसका अगला स्टॉप आएगा आई थिंक रेवाड़ी है ना भैया, इसके बाद है ना बस। और देखो कितनी चमचमाती गाड़ी, चमचमाती हुई गाड़ी लग रही है, एक नंबर है, मस्त है। निकलने वाली है यहाँ से और बस अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आएगा गुड़गांव, गुड़गांव के बाद दिल्ली कैंट और बस सामने हाईवे पेंटोग्राफ है। हेलो
हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? जर्नी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली कैंट स्टेशन पे और यहाँ पे हमारी गाड़ी का बहुत 2-3 मिनट का ही हॉल्ट है, आई थिंक 10 मिनट का हॉल्ट है, सॉरी 10 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे हमारी गाड़ी अभी 10 मिनट रुकेगी, फिर इसके बाद ही निकल जाएगी पटेल नगर होती हुई कुरुक्षेत्र के रास्ते चंडीगढ़ की ओर। ये गाड़ी बहुत अच्छी है और मुझे मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे बहुत शानदार लगा और तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं ब्लॉग। अगर आप यहाँ तक हो तो लाइक सब्सक्राइब जोर करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।